लखीमपुर खीरी 23 अगस्त शुक्रवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल ब्लॉक और ट्रांसिस हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति जानी और संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सर्वप्रथम डीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल ब्लॉक परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। सर्वप्रथम डीएम ने व्यू कटर 3D मॉडल से मेडिकल कॉलेज की संरचना समझी। उन्होंने प्रथम तल पर निर्मित वार्ड रूम की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई की अपने सम्मुख माप करवाकर अनुमन्य माप से क्रॉस चेक किया गया। डीएम ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण परियोजना व्यापक जनहित की है। सरकार जिले में मेडिकल कॉलेज के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड प्रथम PWD लखनऊ के ई अशोक कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर DDF अनिरुद्ध मौर्य, प्रोजेक्ट मैनेजर NKG इंफ्रा पवन पांडे, ई अनिल कुमार यादव, DSTO अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद डीएम ने ट्रांजिट हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने जांच के लिए उपयोग में लाई गई सीमेंट, ईंट आदि निर्माण सामग्री का सैंपल भरवाया। डीएम ने बारीकी से पूरे परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। डीएम की पूछने पर PWD के ईई के झा ने बताया कि निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 2,34,00,000 रुपए है।